गैल्वेनोमीटर ये एक ऐसा एपरेटस होता है जिससे कि हम बहुत बहुत कम करंट मेजर कर सकते हैं। यहां पर इस फिगर में देखें, ये गैल्वेनोमीटर है। इसे अगर आप एक सर्किट में जोड़ेंगे तो यहां पर ये जो निडल है ये निडल डिफ्लेक्टेड होगा और ये कितना करंट तक मेजर कर सकता है उसके लिए देखें, सबसे ज्यादा करंट जो मेजर कर पाएगा वो देखें यहां पर 500 यूनिट्स का है और यूनिट इसका क्या है, माइक्रो एम्पियर। माइक्रो होता है 10^-6, मतलब कि 1000 × 1000 इतना माइक्रो एम्पियर में 1 एम्पियर होगा, तो ये बहुत कम करंट डिटेक्ट कर पाता है। अगर आप इससे ज्यादा करंट फ्लो करवाएंगे तो ये खराब हो जाएगा। वैसे इस वीडियो में हमारा टॉपिक ये नहीं है कि गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, उसके लिए दूसरा वीडियो है। फिलहाल हमें इसे एक एमीटर की तरह यूज करना होगा। एमीटर क्या करता है, एमीटर करंट डिटेक्ट करता है। तो सिंपली आप इसे सर्किट में जोड़ दीजिए, एमीटर हो जाएगा, कोई बड़ी बात है नहीं। ये देखिए ये क्या मेजर कर रहा है, ये मेजर कर रहा है करंट, लेकिन आपका जो गैल्वेनोमीटर है ये तो बहुत कम करंट मेजर करेगा, लेकिन आपका सर्किट में आपको पता है कि करंट का फ्लो ज्यादा है, तब आप क्या करेंगे। यहां पर ये 500 माइक्रो एम्पियर तक मेजर कर पा रहा, दैट मीन आधा मिली एम्पियर, हाफ मिली एम्पियर। आपका जो डिमांड है वो है एक एमीटर, एक ऐसा एमीटर जो कि 5 मिली एम्पियर तक मेजर कर सके। मान ले एग्जांपल के तौर पे, आपको पता है आपके सर्किट में जो मैक्सिमम करंट का फ्लो होगा वो मैक्सिमम करंट फ्लो ये 5 मिली एम्पियर का है, तब आप क्या करेंगे, इसे जोड़ नहीं सकते, इसे जोड़ेंगे तो ये खराब हो जाएगा। लेकिन आपके पास अवेलेबल यही है, तो सबसे पहले तो देखिए सर्किट में हम इसे जोड़ते कैसे हैं, फिर बाद की बात बाद में आएगा। सो गैल्वेनोमीटर एक है, मान ले ऐसा आपके पास सर्किट कुछ ऐसा है, यहां पर बैटरी है, यहां पर रेजिस्टेंस है, जो भी एपरेटस यहां पर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आप यूज कर रहे हैं उसे यहां पर जोड़ा गया, वो काम कर रहा है। अब यहां पर आपको अगर मेजर करना है करंट, करंट तो इस सर्किट से फ्लो करेगा इस तरह से, हर एक पॉइंट में करंट सेम होगा, इस सिंपल सर्किट है। तो एमीटर को हम जोड़ते कैसे, एमीटर को हम सिंपली यहां पर ऐसे जोड़ देते हैं, हम इसे कुछ ऐसा जोड़ते हैं कि सर्किट का पूरा करंट, जिस करंट को हम मेजर कर रहे हैं वो इसी से पार हो, इसी के थ्रू पार हो। अब अगर गैल्वेनोमीटर आपके पास है, डायरेक्टली आप इसे अगर जोड़ देते हैं तो आप डायरेक्टली कैसे जोड़ेंगे, मान लिया आपका डिमांड ऐसा है कि जो करंट है ये बहुत कम है, तो इस केस में आप सिंपली इसे जोड़ सकते हैं, सिंपली यहां से इसे आप जोड़ सकते हैं कुछ ऐसे। आपने एक टर्मिनल जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे आपने जोड़ दिया यहां से इसके साथ, यहां पर देखे यहां पॉजिटिव लिखा हुआ, तो आपने पॉजिटिव साइड को जोड़ दिया उसके साथ और आपने नेगेटिव साइड को जोड़ दिया इसके साथ। वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि आप पॉजिटिव साइड को ही इसके साथ जोड़े, नेगेटिव को ही इसके साथ जोड़े, उल्टा जोड़ देंगे तो डिफ्लेक्शन उल्टे तरफ होगा। आप उल्टा अगर जोड़ेंगे तो डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में ना होके आपका डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। यहां देखिए क्या बता रहा है, ये भी 500 माइक्रो एम्पियर बता रहा है लेकिन नेगेटिव साइड है ये, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन होगा, कुछ नहीं और कुछ खास नहीं होगा, आप जोड़ सकते हैं। अब तो इस केस में ये एमीटर की तरह बिहेव करेगा, ये एमीटर ही है इस केस में। लेकिन हमारा डिमांड क्या है, हम चाहते हैं, हमें पता है कि करंट काफी ज्यादा है और हम चाहते हैं कि 5 मिली एम्पियर तक ये डिटेक्ट कर सके, लेकिन यहां पर 500 माइक्रो एम्पियर से ज्यादा हो गया, 1000 माइक्रो एम्पियर में 1 मिली एम्पियर होता है, तो मान ले 1 मिली एम्पियर भी करंट हो गया तो ये खराब हो जाएगा, आधा मिली एम्पियर से ज्यादा में ही खराब हो जाएगा। तो हमें कुछ ट्रिक यूज करना है यहां पर, हमें इसे तो यूज करना ही है, साथ ही साथ कुछ ऐसा सर्किट बना देंगे हम कि हम यहां पर इसे एमीटर की तरह यूज कर सके। तो इसके लिए ट्रिक कुछ ऐसा है कि करंट यहां पर देखे पूरा का पूरा फ्लो कर रहा है इस एमीटर के थ्रू, अगर हम पूरा करंट को इसके थ्रू पास ना करवाएं, एक सर्टेन परसेंटेज यहां से पास करवाएं, मान ले 10% करंट हम यहां से पास करवा रहे हैं, 90% करंट किसी और जगह से हम अगर पास करवा पाए, सर्किट को हम ऐसा बनाएंगे हमेशा जो करंट यहां से फ्लो करेगा उसका 10% यहां से फ्लो करे इस गैल्वेनोमीटर से, बाकी 90% किसी और जगह से पार करे, हम ऐसा कर सकते हैं। तो अगर हमें पता है कि हमेशा 10% करंट ही गैल्वेनोमीटर के थ्रू पार होगा, बाकी 90% कहीं और से पास हो जाएगा, तो फिर हम कह सकते हैं जो कि 500 माइक्रो एम्पियर का करंट है
इन रियलिटी टोटल में अगर देखे यहां से जो करंट फ्लो करेगा ये अगर 500 माइक्रो एम्पियर बताएगा जो कि 10% होगा उस करंट का, तो हम 5 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकते हैं। तो यही ट्रिक यूज किया जाता है, ये कुछ आउटसोर्सिंग जैसा है, आपके पास बहुत काम आया लेकिन आपके एबिलिटी से बाहर है, वो आप इतना ही काम कर सकते हैं। मान ले आप एक ही बक्सा रंग सकते हैं एक दिन में और आपके पास 10 बक्से आ गए और आपको काम एक दिन में करके देना है, तो आप आउटसोर्स कर देंगे 9 बक्सों को, एज सिंपल एज दैट। तो यहां पर हमें करंट को आउटसोर्स करना होगा, कहीं दूसरे जगह से पास करवाना होगा और हमेशा 10% करंट ही फ्लो करे ये श्योर होना होगा। ऐसा नहीं कि कभी 5% यहां से फ्लो कर जाएगा और यहां से 95% करेगा, तब तो हम प्रॉपरली मेजर ही नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा 10% और 90% अगर इस केस में होगा तो ये जो गैल्वेनोमीटर है ये एक ऐसा एमीटर की तरह बिहेव करेगा जो कि हमारे डिमांड में है। अभी हम चाहते हैं कि 5 मिली एम्पियर ये मेजर कर सके, तो उसके लिए सर्किट जो ड्रॉ किया जाता है वो जो ट्रिक होता है वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा होता है ये सर्किट। आप इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को कह सकते हैं कि ये एमीटर है, हमारा जो रिक्वायरमेंट है वो वाला एमीटर। हम बेसिकली करते क्या है यहां पर, यहां जो करंट ये फ्लो कर रहा है इस पूरे सर्किट से, इस करंट को आप देखें हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, एक तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होगा और दूसरा इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा। तो हमने सबसे पहला काम ये कर दिया कि करंट को, जो मेन करंट, बहुत ज्यादा करंट जो था वो यहां से सर्किट से फ्लो कर रहा था, हमने इसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया, एक छोटा पार्ट गैल्वेनोमीटर से पास होगा और बाकी का बाकी करंट इस रेजिस्टेंस से पार होगा। यहां पर आप ध्यान से देखिए, ये जो गैल्वेनोमीटर है और ये जो रेजिस्टेंस है एज होल, इसे अगर आप देखते हैं तो आप पाएंगे ये पैरेलल कनेक्शन में है, और पैरेलल कनेक्शन में अगर मैं सिंपली कहूं, अगर आप इसके साथ काफी यूज टू है तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि पैरेलल कनेक्शन में करंट का स्प्लिट कैसे होता है। गैल्वेनोमीटर से कुछ करंट पास करेगा और यहां से कुछ करंट पास करेगा, इस करंट का जो रेशियो होता है ये इनके रेजिस्टेंसेस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं, मैथमेटिकल इक्वेशन से समझ में आएगा। सबसे पहले तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं कि मान ले कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 9 यूनिट का है और इस रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है ये 1 यूनिट का है। अब इनके थ्रू जो करंट पास करेगा, यहां गैल्वेनोमीटर के थ्रू और इस रेजिस्टेंस के थ्रू, उनका जो रेशियो होगा वो होगा 1:9। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां से कम करंट फ्लो करता है, जहां रेजिस्टेंस कम है वहां से ज्यादा करंट फ्लो करता है। तो मान ले 10 यूनिट का करंट सर्किट में फ्लो कर रहा था, अब गैल्वेनोमीटर से 1 यूनिट फ्लो करेगा और रेजिस्टेंस से 9 यूनिट फ्लो करेगा, तो हमने कर दिया आउटसोर्स करंट को। अब गैल्वेनोमीटर खराब नहीं होगा और हमने जो सर्किट बनाया हमें पता है रेजिस्टेंसेस क्या है, तो हम यहां पर लिख देंगे मल्टीप्लाइड विथ 10। कोई भी अगर इस गैल्वेनोमीटर को यूज करता है, इस पूरे सर्किट को यूज करता है, तो उसे पता चल जाएगा कि ये जो है ये 500 माइक्रो एम्पियर जहां पर लिखा हुआ है उतना अगर डिफ्लेक्शन होता है तो यहां 500 माइक्रो एम्पियर नहीं होगा बल्कि 500 माइक्रो एम्पियर इंटू 10 होगा। ये हमें पता है, हमने खुद बनाया सर्किट को। That mean, जब मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा तब करंट, इस केस में अगर हम ऐसा बना पाए तो इस केस में करंट हमें मान के चलना होगा कि करंट 500 माइक्रो एम्पियर नहीं है बल्कि इंटू 10, दैट मीन 5 मिली एम्पियर है जो सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है। भले ही गैल्वेनोमीटर के थ्रू 500 माइक्रो एम्पियर फ्लो कर रहा है लेकिन मेन जो सर्किट है जिसका करंट हमें मेजर करना है, ये जो सर्किट है, ये सर्किट जो है, ये वाला सर्किट, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा वो इसका 10 गुना है, दैट मीन 5 मिली एम्पियर है। तो हमारा जो मेन उद्देश्य था वो पूरा हो गया। सो इस तरह से हम इसे एमीटर की तरह यूज कर सकते हैं। अब थोड़ा मैथमेटिकल इक्वेशन हो जाए कि किस तरह के केसेस में हम कितना रेजिस्टेंस यहां पर जोड़ेंगे। यहां जो रेजिस्टेंस जोड़ा गया इसे कहा जाता है शंट रेजिस्टेंस। तो इस शंट रेजिस्टेंस को हम कितना रखेंगे किस किस केस में, तो उसके लिए सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है ये हमें पता होना होगा। ये इंटरनल रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का आरजी हमें पता होना होगा, और यहां जो रेजिस्टेंस है शंट रेजिस्टेंस, इसका जो रेजिस्टेंस है ये मान ले ये है आरएस।
अब ये जो गैल्वेनोमीटर है ये जो मैक्सिमम करंट सपोर्ट कर सकता है जो कि आपको यहां पर दिखेगा उसका जो वैल्यू है उसे भी हम लिख लेते हैं, वेरिएबल एसोसिएट कर देते हैं इसके साथ आईजी, ये मैक्सिमम इतना ही ये सपोर्ट कर सकता है। और सर्किट में जो करंट है ये आई है, आई आईजी से काफी बड़ा है, ये इससे बहुत बहुत बड़ा है। हमने तो इसी तरह का एग्जाम्पल लिया था, काफी बड़ा है तो ही जाके हम गैल्वेनोमीटर को इस तरह के सर्किट में जोड़ते हैं। तो यहां पर करंट जो फ्लो करके आएगा इस पॉइंट में पहुंचेगा, तो इस पॉइंट में आके ये दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, एक तो गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होगा और दूसरा इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगा। तो हम आसानी से कह सकते हैं किरहॉफ्स फर्स्ट लॉ से, जिसे कि जंक्शन रूल कहा जाता है, उससे हम आसानी से कह सकते हैं कि इन दोनों का जो करंट होगा, यहां से जो करंट फ्लो करेगा और ये जो करंट है, इन दोनों का करंट को जोड़ेंगे तो आई के बराबर होगा। तो यहां से करंट फ्लो कर रहा मान ले आई एस, शंट करंट। तो आई को हमने ऐसा चूज किया जो कि इस सर्किट में मैक्सिमम पॉसिबल करंट हो सकता है, और हमने इसे पहले ही माना था कि हमारा डिमांड कुछ ऐसा है कि हम चाहते हैं 5 मिली एम्पियर तक ये मेजर कर सके। अब 10-12 मिली एम्पियर होगा तो खराब हो जाएगा, हमने ऐसा ही इसे डिजाइन किया है। तो फिर अब हमें यह पता लगाना होगा कि इस सिचुएशन में हमारा जो शंट रेजिस्टेंस होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा। जैसे कि हमने इससे पहले बात किया, आप सिंपली ये कह सकते हैं, अगर आप इसके साथ काफी यूज टू हैं तो आप सिंपली कह सकते हैं करंट जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू पास होगा डिवाइडेड बाय करंट जो शंट के थ्रू पास होगा, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा इनके रेजिस्टेंसेस के। तो आप यहां पर सिंपली कह सकते हैं रेजिस्टेंस ऑफ शंट डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये तो आप अपने कॉमन सेंस से कह सकते हैं, आपका अगर सेंस उतना ग्रो कर चुका है तो। इससे आगे आप कह सकते हैं चूंकि Ig प्लस Is इज इक्वल टू I, तो सिंपली आप यहां से कह सकते हैं कि I इज इक्वल टू, हम आगे चल के मैथमेटिकल इक्वेशन और भी बेहतर तरीके से यहां डिराइव करेंगे, फिलहाल तो हम एक इंट्यूशन ग्रो कर लेते हैं यहां पर। सो I इज इक्वल टू Ig प्लस Is, तो हम यहां से आगे कह सकते हैं कि, यहां इस सर्किट को हटा देते हैं, तो हम यहां से आगे कह सकते हैं कि आई एस इज इक्वल टू आई माइनस आई जी। अब अगर दोनों साइड हम आई जी से डिवाइड करते हैं तो हम कहेंगे आई एस डिवाइडेड बाय आई जी। देखिए एक ऐसा टर्म मिल गया जिसका वैल्यू हमारे लिए नोन है, सो ये बराबर हो जाएगा आई डिवाइडेड बाय आई जी, आई जी माइनस आई जी डिवाइडेड बाय आई जी, सो माइनस वन। तो ये आई है, आप इसका जो वैल्यू है इसे कह सकते हैं आर जी डिवाइडेड बाय आर एस। यहां से देखें इसका रेसिप्रोकल है ये, तो ऑब्वियस सी बात है इसका रेसिप्रोकल होगा ये इज इक्वल टू आई माइनस आई जी डिवाइडेड बाय आई जी। हमें आर एस पता करना है, तो यहां से हम सिंपली कह सकते हैं कि आर एस, आप इक्वेशन बना लें, इज इक्वल टू आर जी इंटू आई जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। तो ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। शंट रेजिस्टेंस कितना होगा, शंट रेजिस्टेंस उतना ही होगा जितना कि गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट सपोर्ट कर सकता है इनटू गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाय जो करंट हम चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट उतना वो डिटेक्ट कर पाए माइनस गैल्वेनोमीटर जितना करंट मैक्सिमम सपोर्ट कर सकता है वो। अब ये जो था ये वाला इक्वेशन हमने जो यूज किया था वो तो अपने इंट्यूशन से, हमारे प्रीवियस नॉलेज से यूज किया था। अब अगर मान ले आप थोड़ा ज्यादा मैथमेटिकल हो जाते हैं, यहां पर मैथमेटिकल इक्वेशन ज्यादा इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप कहेंगे कि इस पॉइंट का पोटेंशियल और इस पॉइंट का पोटेंशियल, एक डिफरेंस होगा दोनों पोटेंशियल्स का, सो उन दो पॉइंट्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मान लेते हैं कि वी है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर आप देखेंगे गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है इस पॉइंट के साथ और इस पॉइंट के साथ, ये दोनों तो कनेक्टिंग वायर्स हैं, इनके रेजिस्टेंसेस बहुत कम है, तो हम कह सकते हैं गैल्वेनोमीटर जो है ये कनेक्टेड है दो पॉइंट्स के साथ जिनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो हम यहां से सिंपली कह सकते हैं कि V इज इक्वल टू आई जी इंटू आर जी, ओम्स लॉ, करंट इंटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस।
उसी लॉजिक से देखें, आप कहेंगे कि ये जो रेजिस्टर है ये एक तरफ जुड़ा हुआ है इस पॉइंट के साथ और दूसरे तरफ जुड़ा हुआ इस पॉइंट के साथ, कनेक्टिंग वायर्स का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है रिलेटिवली, तो यहां पर भी हम वही कह सकते हैं कि यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप और इस कनेक्टिंग वायर के कारण पोटेंशियल ड्रॉप अगर कुछ नहीं हुआ, ये ऑलमोस्ट जीरो होता है, तो इसे हम इग्नोर कर देंगे। तो मेन पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा इस रेजिस्टेंस के कारण होगा, और वो कितना होगा, V होगा, ऑब्वियस सी बात है, दो पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस वो V है, और V इज इक्वल टू करंट जो कि है IS इनटू रेजिस्टेंस जो कि है RS। इन दोनों को अगर आप इक्वेट करते हैं तो आप पाएंगे, इन दोनों से आप पाएंगे कि ये इसके बराबर होगा। सो IGRG इज इक्वल टू ISRS। तो यहां से आप अगर IG को रखते हैं और यहां से IS को इस साइड में ले जाते हैं तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये, और ये बराबर हो जाएगा RS डिवाइडेड बाय RG। तो आप ये पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है ये यहां पर है जिससे आगे हमने इसे डिराइव किया है इस फॉर्मूला को। तो अगर कभी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप शंट रेजिस्टेंस जोड़ दे जिसका कि रेजिस्टेंस इतना होगा, और वो रेजिस्टेंस आप पता कैसे करेंगे, वो रेजिस्टेंस आप इस इक्वेशन से पता करेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आगे के वीडियोस में हम और भी तरह तरह के मुद्दों पर बात करेंगे, जैसे कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करें। तो अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।